स्टूडेंट, हाउ आर यू डूइंग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे, आई होप सो। या आज का वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, बिकॉज एवरी जो भी नए स्टूडेंट है जो कि बोर्ड एग्जाम फर्स्ट टाइम देने वाले हैं, उन्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो उनके लिए ये टिप्स है। आप चाहे तो इस वीडियो को लाइक कर लो या फिर इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है, जो भी करना है वो कर लो। उसके बाद हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता है कि हम क्या लेके जाएँ, ये लेके जाएँ या फिर वो लेके जाएँ। क्या लेकर जाएँ यार, हमें कोई बता दो यार, कोई तो बता दो, समझा दो कि क्या लेकर जाएँ, ढेर सारा सामान लेके जाएँ या फिर थोड़ा सा। चलो यार, सब कुछ क्लियर कर दूंगी इस वीडियो में, सब कुछ ही क्लियर हो जाएगा और आपका डर भी मैं गायब कर दूंगी। सो पहले बता दूँ आपको, सबसे पहले क्या करना है, स्केल लेना है, ये लाइन वगैरह खींचने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एक चांदा ले लेना है, आई थिंक ये ज्योमेट्री बॉक्स में आसानी से आपको अवेलेबल हो जाएगा, ये हर जगह पर मिल जाता है आपको। ये ट्रायंगल है, दो टाइप के ट्रायंगल्स होते हैं, मैंने अपने लाइफ में ट्रायंगल्स का कभी यूज़ तो नहीं किया है, बस स्केल और चांदा का ही हेल्प लिया है। उसके बाद इसे कहते हैं दूरी और इसे कहते हैं लंगड़ा प्रकार, मुझे नहीं आइडिया कि इसे क्या कहते हैं, मैं तो इसे यही बोलती हूँ। ओके, देन आप लोग को बता दूँ, एवरी स्टूडेंट जो भी लड़के या लड़कियाँ हैं जो भी, अगर आप पेन बैग लेके जाया करें तो एक बात का ध्यान रखें कि वो ट्रांसपेरेंट हो। अब आप लोग सोच रहे हो कि मैं क्यों ट्रांसपेरेंट बैग लेने के लिए बोल रही हूँ, इसमें क्या, हम तो कोई भी ले लेंगे बैग। नहीं यार, मैं बताती हूँ, ट्रांसपेरेंट बैग लेने का एक सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि हमें सब कुछ क्लियरली दिख जाता है। हमारे जो बोर्ड एग्ज़ामर होते हैं, हमारे जो टीचर होते हैं, उनको आसानी से दिख जाता है, क्योंकि वो लोग पक्का ये बात श्योर है कि वो लोग चेकिंग करते ही हैं। एंड अगर आप ट्रांसपेरेंट बैग लेंगे तो उनको भी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा और आपको भी, कि आपने कुछ छुपाया तो नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये भी होता है कि हम लोग बाद में फिर याद भी कर लेते हैं कि हमने क्या लिया है क्या नहीं, क्योंकि दोबारा बैग खोलने में टाइम लग जाता है। ऐसे ऊपर से देखेंगे हमें सब कुछ क्लियरली दिख जाएगा, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंट बैग का हेल्पफुल पता चला कितना हेल्पफुल होता है। मैं तो हमेशा से अपने 10th के एग्ज़ाम में एंड 12th के एग्ज़ाम में मैंने यही ट्रांसपेरेंट बैग लिया है और यही सब यूज़ किया है। ओके, तो या पेंसिल लेना एंड शॉर्पनर लेना, इरेजर ले लेना, क्योंकि हम बोर्ड एग्ज़ाम में जाएंगे तो हमको इरेजर दो, हमको पेंसिल दो, ये तो नहीं कहेंगे ना, हम सब कुछ अपना ही सामान लेके चलेंगे। ओके, देन पेन में भी बहुत ज़्यादा इश्यू होता है कि हम ब्लैक कितना लें, ब्लू कितना लें, क्या क्या लें यार, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो देखो, 3 ब्लू कलर का लेना एंड 2 ब्लैक, इतना ही बहुत इनफ होता है। हाँ, हम अगर पेपर के दौरान एग्ज़ाम में, मतलब ख़त्म तो होने का कोई चांस नहीं होता यार, 3 पेन बहुत लॉन्ग टाइम चल जाता है आसानी से। मैं बताऊँ तो मैं 2 पेन आसानी से मेरे बोर्ड एग्ज़ाम क्लियर हो जाते थे उससे आराम से। अगर हो सकता है कि बोर्ड एग्ज़ाम दो, हमने 2 पेपर दिया एंड उसके बाद भी ख़त्म हो गया, तो आप घर आओ, उसको दोबारा नया एक पेन ले लो। और आप लोग ध्यान रखना, जब भी आप लोग पेन लें उसको घर पर ज़्यादा देर तक उसको चला लेना, जिससे कि वो क्लियरली दिखे, और दिखे नहीं मतलब क्लियरली चल जाए एकदम आसानी से। आपको ज़्यादा मतलब वो होता है ना, फंस फंस कर चलता है, नया पेन होता है ना, तो वो नहीं, वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, काफ़ी ज़्यादा आसानी से लिख लेगा, ठीक है। तो 3 ब्लू लेना, 2 ब्लैक ले लेना, एंड ये वाला फेवरेट है क्योंकि इसको बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। आप चाहो तो स्केच भी ले सकते हो, चाहे तो ये हेडिंग पेन भी ले सकते हो। हेडिंग पेन क्यों, क्योंकि हेडिंग पेन ले जाने का ये फ़ायदा होता है कि हम जो आंसर लिखते हैं वो बड़े अक्षरों में होना चाहिए, जिससे हमें टीचर को या फिर एग्जामर जो होते हैं उनको आसानी से दिख जाए कि हमने क्या क्या लिखा है अपने आंसर्स में। ओके, देन ये हेडिंग पेन हो गया। ओके, सारे ही पेन वगैरह हम सब क्लियरली भर लेंगे, हम नोट भी कर लेंगे कि हमने क्या लिया है क्या नहीं लिया है। सो या उसके बाद मैं बता दूं कि ट्रांसपेरेंट बैग लेने का देखो एक फ़ायदा तो दिखाना आप लोगों को कि सब कुछ एकदम क्लियर दिख रहा है कि हमने क्या लिया है क्या नहीं, हम कुछ भूले तो नहीं हैं। एंड हाँ, जो इंस्ट्रक्शन दिया होता है कि आपको 2 फोटो या फिर आधार कार्ड, एडमिट कार्ड, सब कुछ याद से ले लेना, ठीक है। आई थिंक आप लोगों के सारे ही नर्वस दूर हो गए होंगे और ये टिप्स आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। एंड ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू।